यंग जनरेशन जो हमारी है वो आजकल एक डिजीज या इसको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कहेंगे, एक्ने और पिंपल्स, मुंह पर मुहासे हो जाने, आयुर्वेद में इसको युवान पीड़िका कहते हैं। युवान पीड़िका, यौवन अवस्था में, जवानी में जो पीड़िकाएं होती हैं उसको कहते हैं युवान पीड़िका। तो सबसे पहले आप जानिए कि आपकी नेचर ऑफ स्किन क्या है, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या मिक्स है। एक सिंपल फॉर्मूला जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी स्किन क्या है, सुबह जब आप अपना फेस वॉश कर लेते हो, धो देते हो, उसके आधे घंटे बाद अगर स्किन में ऑयल आता है, फेस पे ऑयल आता है, तो आपकी स्किन जो है ऑयली है। अगर उसमें ऑयल नहीं आता, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, खुश्की या खिंचाव महसूस करते हैं, तो आपकी स्किन ड्राई है। और मिक्स स्किन में क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स स्किन के ऑयली, बाकी नॉर्मल या ड्राई हो सकते हैं। तो आपके लिए बड़ा इजी है ये जानना कि आपकी स्किन की नेचर क्या है। उस स्किन की नेचर के अकॉर्डिंग ही आपने अपने फेस वॉश, फेस पैक, क्रीम्स, ऑयल और लोशन जो भी आप लगाते हैं उसको चूज करना है। तो एक्ने पिंपल्स होते क्यों हैं? आपका जो डाइटरी फैक्टर्स हैं इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो डाइट है, अगर वो ऑयली डाइट आप ज़्यादा ले रहे हो या कोई जंक फूड खा रहे हैं, तो होता क्या है कि वो डाइट जो है वही शरीर को जाएगी, आपकी स्किन में भी वही जाएगी। तो जो आपके ऑयल ग्लैंड्स और फेस है, जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। उनकी ब्लॉकेज होने के कारण वहाँ पस पड़नी शुरू हो जाती है और पिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी डाइट बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, बड़ी चूजी होनी चाहिए। अगर आप सेंसिटिव हो, एक्ने पिंपल्स आपके जल्दी निकलते हो या कोई भी प्रॉब्लम फेस के रिलेटेड आपकी होती, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि स्किन की केयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्लींजिंग। आपको फेस बार बार साफ करना चाहिए। अगर किसी की स्किन ऑयली है, उसके पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं, तो फेस को हर 2-3 घंटे बाद आप नॉर्मल पानी से साफ कीजिए। साबुन का प्रयोग कम कीजिए, फेस वॉश इसमें ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो क्या आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट है? जी हाँ बिल्कुल। तो आयुर्वेद में काफ़ी ऐसे योग हैं जो एक्ने और पिंपल्स को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। फेस वॉश, फेस पैक्स, जेल्स ऐसी हैं जो विदन साइड इफेक्ट के इसको ठीक कर सकते हैं। और हमने देखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि यंग स्टर्स जो है इससे ज़्यादा इफेक्टेड हैं, पर हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ये हो सकते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकते हैं, अगर हार्मोन्स उनके चेंज हो रहे हो उसमें भी होते हैं। फीमेल्स आफ्टर 35 कईयों की ये प्रॉब्लम हार्मोन्स की आनी शुरू हो जाती है, उसके कारण भी हो सकते हैं। कोई मेडिसिन साइड इफेक्ट कर सकती है, कोई स्टीरॉयड या ऐसा कुछ आपने खाया जो बॉडी को इफेक्ट किया और एक्ने पिंपल दिए। तो सबसे पहले इनको जानना कि कारण क्या है, उस कारण को आपने रोकना है कि ये कारण आप वो चीज़ें आप यूज़ करना बंद कीजिए, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट पोर्शन ईजीली हो सकता है। आपको अपने स्किन के बारे में जब नॉलेज हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है कोई कॉस्मेटिक यूज़ करके या कुछ ऐसी चीज़ आपने यूज़ की, तो उसको एकदम बंद कीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसी वक्त अगर आप कंसल्ट करेंगे तो ये डिजीज़ नहीं बढ़ेगा। जितना आप डिजीज़ को बढ़ाते जाएंगे, लेट होते जाएंगे, उतना बढ़ता रहेगा और उतनी ही ट्रीटमेंट करने में मुश्किल आती है।